मुंबई में पांचवें दिन भी जारी भारी बारिश से पूरे शहर में जिंदगी लगभग थम गई है। मुंबई और आसपास के इलाकों में 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य सरकार ने 2 जुलाई तक के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। पांच दिन से जारी बारिश के चलते मुंबई में आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह पटरी से उतर गई है। लगातार बारिश से मुंबई और आसपास के इलाकों में पानी भर गया है। शहर के लगभग सभी हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 5 दिनों के भीतर 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मलाड में पानी इतना भर गया है कि एक कार ही डूब गई, जिसमें अंदर बैठे 2 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने अपील की है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें। एहतियातन सभी स्कूल और कॉलेजों को भी बंद कर दिया गया है। इस वक्त मुंबई में यातायात की व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो गई है। रनवे पर पानी भरने की वजह से 52 उड़ानों को रद्द किया जा चुका है और 54 उड़ानों को डायवर्ट किया गया है। एक रनवे पर स्पाइसजेट का बोइंग एयरक्राफ्ट अभी तक फंसा हुआ है। बड़ी संख्या में यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। मुंबई लोकल भी जगह जगह देरी से चल रही है। कई ट्रेनों को रिवर्स किया गया है और कई रद्द कर दी गई है। सेंट्रल लाइन सबसे ज्यादा प्रभावित है और कई स्टेशनों के पास पटरियां पूरी तरह पानी में डूबी हुई है। सांता क्रूज स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मंगलवार सुबह तक मुंबई में 375.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान बोरीवली में 380 मिलीमीटर, मलाड में 420 मिलीमीटर, पवई में 402 मिलीमीटर, चेंबूर में 317 मिलीमीटर, घाटकोपर में 380 मिलीमीटर, कुरला में 254 मिलीमीटर, कोलाबा में 120 मिलीमीटर और दादर में 169 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।